हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, अगले 3 घंटों में क्या सोचेंगे और क्या अगले 3 घंटों में आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या है, करंट फीलिंग्स। सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, ये पर्सन किसी जगह पे या तो ऑफिस में बैठे या तो अपने घर में बैठे हैं, कोई भी इनके आसपास नहीं है, अकेले बैठे हुए, जो कि अपने आप में आपके रिश्ते की पास की अच्छी अच्छी बातें दिमाग में चलाते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। ये पर्सन करंट एनर्जी में बहुत मतलब मेहनत कर थक चुके हैं और अब इनको रिलैक्स रहना है और रिलैक्स रहकर सिर्फ इनको आप ही के बारे में थिंकिंग करना है। लगता है कि कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, बस आपकी मेमोरीज में जीना इस पर्सन को अच्छा लगता है, क्योंकि ये पर्सन करंट में आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है ऐसा इनको लग रहा है। तो सिर्फ आपके मेमोरीज के सहारे ये पर्सन जो कि दिन निकाल रहे हैं, ठीक है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, बहुत काम बढ़ा लिया इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में आपको भुलाने के लिए, लेकिन भूल नहीं पाए, ठीक है। जितना ये कोशिश करते हैं उतना ही इनको आपकी ज्यादा याद आती है। इवन ये पर्सन करंट में आपको एम्प्रेस की जैसे देख रहे हैं, ठीक है। आप तो अपनी जिंदगी में बिजी हो, खुश हो, आप इस पर्सन से अब बात भी नहीं करना चाहते। आपकी नजर में अब इस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और इस पर्सन से शायद आपने जो कि अब रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया है ऐसा इनको लग रहा है, और इनकी गलती का अब रियलाइजेशन इनको हो चुका है, ठीक है। चाहकर भी ये पर्सन करंट में आपके इस रिश्ते में सिचुएशन को बेटर नहीं कर सकते, लेकिन ये करंट में सोच रहे हैं इनको सिर्फ एक चांस चाहिए आपके साथ इस रिश्ते में इनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। ये आपके साथ अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी है यहाँ पे, आपके प्यार को बहुत अप्रिसिएट करते हैं। इनको क्या आप एक और सेकंड चांस दे सकते हो, इस तरह से करंट में सोच रहे हो, ठीक है। नहीं, इनको लगता है कि आप इनको सेकंड चांस दोगे, आप इनकी गलती को कभी माफी नहीं करोगे, या आपको लेकर किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप नहीं बात करोगे, आप एक एम्प्रेस बन चुके हो, ठीक है। अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, अब आप इतने अब करंट में आप इतने पावरफुल हो कि बैठे बिठाए सारी दुनिया आपके लिए काम कर सकते, लेकिन आप किसी के लिए काम नहीं करोगे, इतनी स्ट्रेंथ आपने अपनी बना ली है, ठीक है। यस, इस पर्सन ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपकी जिंदगी तहस नहस कर दी है, आपके हंसी को इस पर्सन ने आग लगा दी, और जो कि आपको इस पर्सन ने जिस तरह से भी ट्रीट किया है ना, आपके पर्सन को पता है ऐसे एनर्जी से, इस जलन से आप आज भी निकले नहीं हो, और इस जलन को आपने अपना हथियार बना लिया है, इस जलन को आपने अपना सहारा बना लिया है जिंदगी जीने का। अब आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, आपका तो प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ चुका है, अब आपको जिंदगी जीने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर आप लड़का हो तो आपको कोई लड़की की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने ऐसा मान ही लिया है कि लड़कियां सब धोखेबाज होती है। अगर आप लड़की हो तो आपने मान ही लिया है कि लड़के सब धोखेबाज होते हैं, ऐसे आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं कि आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है और इसके जिम्मेदार ये खुद है, जो इस पर्सन ने भरोसा तोड़ा है आपका। अभी आपको जो कि फिर से बताएंगे कि नहीं, प्यार प्यार होता है, भले ही आपको छोड़कर भी चला जाए, आपको डिस्टेंस भी दे, लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं सकता, ये आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और आपके बिना ये पर्सन जी ही नहीं सकते, ठीक है। ये सोच रहे कि बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि आप इनकी दुनिया हो, पूरी दुनिया इस पर्सन ने घूम ली, आपको लेकर ऑप्शंस भी इस पर्सन ने ढूंढ लिए, लेकिन कोई ऑप्शन इनको सूट नहीं हुआ, ठीक है। थक हार कर ये पर्सन फिर से आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये आपको ऐसा बात करेंगे, ऐसा कुछ भी, तो आप इनको जो कि ग्रीडी समझोगे, लालची समझोगे, ठीक है, और आप जो कि इस पर्सन को अपनाने से मना करोगे। तो करंट जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कब तक चेंज हो सकते हैं आपके पर्सन वो देख रहे हैं, और क्या आप इनको आप सपोर्ट करोगे, इनको लग रहा है कि अब आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप इस पर्सन से इतना गुस्सा होना, और आपने और आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आज और करंट में आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप आसानी से इनको मना कर सकते हो, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, अब बस बहुत हो गया, बहुत प्यार कर लिया तेरे से, अब आपको आपका करियर प्यारा है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको ऐसा बताओगे, आप इनको ऐसा बोलोगे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि,
कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। तो जैसे कि किसी गैजेट का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कोई गैजेट इनको मिल जाए और जैसा आपका पास का रिश्ता था सेम वैसा रिश्ता आपका फिर से इनके साथ बन जाए। करंट में आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं। तो अगले 3 घंटों की एनर्जीज क्या रहेगी इनके पार्टनर की मेरे यूवर्स के लिए, अगले 3 घंटों की एनर्जीज इनके पार्टनर की क्या रहेगी मेरे यूवर्स के लिए। यस, ये पर्सन जो कि अगले 3 घंटों में 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, इस पर्सन ने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना किया था, आपको ये पर्सन सरप्राइज देना चाहते हैं। ठीक है, अगले 3 घंटों में ये पर्सन सोचेंगे कि हाँ भले इसको लग रहा है कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, अब मैं इसके पास कभी नहीं आऊंगा, लेकिन इसको मैं सरप्राइज कर दूंगा। डिवाइन इंटरवेंशन इस रिश्ते में होने वाला है जो आपके पर्सन को अगले 3 घंटों में बहुत महसूस होगा कि ऐसा कुछ होगा। जैसे मैंने बोला है किसी गैजेट का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई गैजेट इनको 100% मिलेगा जो कि आप दोनों एक साथ रहोगे। ठीक है, सरप्राइज हो जाओगे आप इस पर्सन के एक्शन से, ये करंट में ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है, बस 3 घंटों में ऐसा सोचेंगे। ठीक है, अब आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इनके पास से, इन्होंने आपको चीट क्यों किया, थर्ड पार्टी के पास क्यों गए, आपके साथ इतने दिन तक बात क्यों नहीं की, इतना नेगेटिव इतना रूड बिहेवियर आपको क्यों दिया, हर एक सवाल का आंसर आपके पर्सन देने के लिए अब रेडी है और जिसका आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, आपके अलावा इस पर्सन के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अगले 3 घंटों में ये पर्सन यही सोचेंगे, एक अलग से एनर्जीज महसूस करेंगे आपके लिए इस पर्सन का प्रॉमिस। अगर इस पर्सन ने आपको जो भी प्रॉमिसेस किए, आपके पर्सन उन प्रॉमिसेस को निभाना चाहते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इवन ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतना चाहते, किंग ऑफ पेंटाकल्स से बहुत पैसा कमा लिया इस पर्सन ने। ठीक है, इनकी जिंदगी में सब अच्छा है, बस आप इनकी जिंदगी में नहीं हो, और अगले 3 घंटे ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के बारे में प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे। कंप्लीशन लाना है, आपको अपनाना है, और आपको अपनाने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करना है। ठीक है, अब जो कि सब कुछ पा लिया तेरी कमी है और तेरे साथ जस्टिस करूंगा, तूने जो बोला था वो सब कुछ, आपने जो बोला था वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, बस अगर आप पास्ट को भुलाने के लिए रेडी हो, तो अगर आप पास्ट को पकड़ कर बैठोगे तो फिर ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, इनको लगता है कि आप एनर्जीज को रिलीज कर दो। यस, बुरा हुआ है इस पर्सन से, ये करंट में आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं, ये रिश्ता टूटा है, तो थर्ड पार्टीज जो आपके पर्सन को थर्ड पार्टीज ने जो भड़काया था जिस वजह से टूटा है, लेकिन ये शर्मिंदा है। अगले 3 घंटे ये पर्सन बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि ये सोचेंगे अगर ये थर्ड पार्टीज की बातें ही ना सुनते तो ना तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आती और ना ही आपके रिश्ते का ब्रेकअप होता। लेकिन अगर आप इनको सुनाते हो ना, तो ये बातें सुन सुनकर आपके पर्सन को जो कि बहुत गिल्ट महसूस होता है और जो कि आपसे नजरें नहीं मिला पाते। ठीक है, तो ये सोच रहे अगले 3 घंटों में सोचेंगे कि हाँ बात करने का दिल तो बहुत करेगा, जस्टिस करने का दिल तो बहुत करेगा, लेकिन आपसे नजरें कैसे मिलाएंगे। इस तरह से इनके अगले 3 घंटों में एनर्जीज रहेगी। ठीक है, हम देख लेते हैं फिर भी कि अगले 3 घंटों में इनका कुछ भी एक्शन आएगा मेरे यूवर्स के लिए, क्या अगले 3 घंटों में इनका मेरे यूवर्स के लिए कुछ भी एक्शन आएगा, क्या अगले 3 घंटों में इनका मेरे यूवर्स के लिए क्या कुछ भी एक्शन आ सकता है मेरे यूवर्स के लिए। ना, मैंने बोला नहीं, डरेंगे आपसे बात करने के लिए और आप जो बोलोगे वो सुनने के लिए। आपके अंदर रूड एनर्जीज है करंट में, जो आपके पर्सन के अंदर पहले थी वो आपके अंदर करंट में है, तो आपकी बातें सुनने से डरेंगे, इस वजह से एक्शन नहीं लेने वाले। तो इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे यूवर्स के लिए कब तक आ सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे यूवर्स के लिए कब तक आ सकता है, और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। 6 ऑफ सोर्स, नेक्स्ट एक्शन आने में कम से कम 6 दिन से ज्यादा 6 हफ्ते लगेंगे, और नेक्स्ट एक्शन में आप दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से इस रिश्ते के फ्रेश स्टार्ट की, और पास रिलीज होने वाला है और जो कि आप दोनों एक साथ रहने वाले हो। ठीक है, बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट आप शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, कहीं पे ट्रैवलिंग पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। हम आपके लिए यस और नो का कार्ड निकाले थे। ठीक है, आप कोई भी ऐसा सवाल पूछो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, मैं आएगा, हम यहाँ पे 4 पाइल्स निकालेंगे। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स जो भी सवाल पूछ रहे हैं हमें यस और नो में आंसर बताए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, आप अपनी पाइल को चूज करिए, हम आपका यस और नो का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मैं 10 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ। चलो देखते हैं पाइल नंबर 1 का आंसर क्या है, यस और नो। पाइल नंबर 1 आपका आंसर नो है, पाइल नंबर 2 का आंसर
नो, नाइन ऑफ सोर्स है यहाँ पे। पाइल नंबर थ्री का आंसर नो है, पाइल नंबर फोर, पाइल नंबर फोर का आंसर यस है। ठीक है, जो भी आपने सवाल पूछा है तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।